आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं पोको पैड को वन प्लस पैड टू से। तो दोनों ही मान के चलो अभी जो है रिसेंटली लॉन्च टैबलेट्स हैं। पोको पैड का देखा जाए तो अभी 27 तारीख को जो है सेल पे चालू हो जाएगा। बाद में बता दूं कि पोको पैड और रेडमी पैड प्रो दोनों ही सेम चीज है, पर लगभग सेम चीज है। फर्क सिर्फ इतना है कि पोको पैड जो है आप लोगों को फ्लिपकार्ट के ऊपर एक्सक्लूसिव देखने को मिलेगा और रेडमी पैड प्रो जो है वो आप लोगों को अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। नाउ देखो दोनों की कीमत में जो है यहाँ पे आपको दुगना अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, वन प्लस आप अगर लेंगे, वन प्लस पैड टू अगर आप लोग लेंगे तो आप लोगों को लगभग 40,000 रुपए तक स्पेंड करने पड़ेंगे। वेराज पोको पैड अगर आप लोग लेंगे तो आपको जो है 20,000 तक स्पेंड यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो बहुत ही ज्यादा पैसों का जो है यहाँ पे सवाल आ जाता है। तो इस कंपैरिजन को एकदम प्रैक्टिकल यहाँ पे रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि आपको सपोर्ट मिलेगा मुझे अच्छा खासा अगर आप मेरे इस वीडियो को लाइक करते हैं और ज्यादा से लोगों के बीच में शेयर करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ठीक है, बात सबसे पहले हम लोग स्क्रीन की करते हैं। प्रैक्टिकल बिल्कुल चीज बता रहा हूँ। देखो यार, आप लोगों ने ओलेड स्क्रीन देखी होंगी जो कि आजकल मोबाइल में आती है और काफी सारे लैपटॉप्स में जो है धीरे धीरे ओलेड स्क्रीन आना चालू हो गई है। और ओलेड स्क्रीन की मैं बात करूं तो टैबलेट के केस में अभी कोई भी टैबलेट आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर मैं सैमसंग की बात छोड़ दूं और एप्पल के पैड प्रोस की बात छोड़ दूं तो बेहद ही कॉस्टली रेंज में ओलेड डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, और टैबलेट में अभी भी ओलेड डिस्प्ले सस्ते में इसलिए नहीं आई है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों, क्योंकि एक बार अगर वो सस्ते में आना चालू हो गई ना तो लोग महंगा वाला टैबलेट लेना ही छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे ही सारी जो है दिक्कत अटकी हुई है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, दोनों ही टैबलेट में लगभग 20,000 रुपए का अंतर है। ठीक है, वन प्लस पैड का दुगना है आपको देखने को मिलता है, लेकिन जब बात हम स्क्रीन की करते हैं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं। हालांकि वन प्लस वाले की स्क्रीन ज्यादा ब्राइट आपको देखने को मिलती है, लेकिन दोनों ही आईपीएस पैनल है और यहाँ पे ये बात जो आपको कोई भी मेंशन नहीं करके देगा, दैट इज द कॉन्ट्रास्ट रेशियो। देखिए आईपीएस पैनल का कॉन्ट्रास्ट रेशियो टिपिकल 1500:1, 2000:1, ज्यादा से ज्यादा 5000:1 आप लोगों को अच्छी से अच्छी स्क्रीन में देखने को मिलेगा। लेकिन ओलेड का कॉन्ट्रास्ट कितना होता है? ओलेड का कॉन्ट्रास्ट होता है 1,000,000:1। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल में वो लिखता है 1,000,000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो। ठीक है, और ओलेड टीवीज में भी ये सब लिखता है 1,000,000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो। तो वहां पे असली मीनिंग ऑफ जो कॉन्ट्रास्ट होता है दोस्तों पता लगता है। वहां पे मैटर करता है कि आपके डिवाइस में HDR है या नहीं, डॉल्बी विजन सपोर्ट है या नहीं। वैसे दोनों डॉल्बी विजन सपोर्ट आप लोगों को दे रहे हैं। एक के पोको पैड के अंदर आपको 600 nits की पैनल ब्राइटनेस मिलती है और वन प्लस पैड के अंदर आपको 900 nits की जो है पैनल ब्राइटनेस मिलती है। तो दोनों ब्राइटनेस के हिसाब से लगभग मोर देन सफिशिएंट है। फर्क सिर्फ आ जाता है दोस्तों कॉन्ट्रास्ट रेशियो, दो जो कि दोनों ही सेम है। ठीक है, कोई ज्यादा जमीन आसमान का अंतर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए पोको पैड आप जो है यहाँ पे आराम से कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका मेन उद्देश्य है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब देखना, बिंज वॉचिंग करना, ठीक है, PDFs पढ़ना, मतलब कुछ भी करोगे तो कलर एक्यूरेसी इस स्क्रीन की भी लगभग सेम ही है जितने की आप लोगों को जो है यहाँ पे वन प्लस पैड टू की जो है देखने को मिल जाती है। कोई ज्यादा जमीन आसमान का अंतर यहाँ पे आने वाला नहीं है, लेकिन हाँ प्राइस में जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। दूसरी चीज आती है दोस्तों, यहाँ पे वन प्लस वालों ने जो स्क्रीन दी हुई है दैट इज 7:5, वो पढ़ाई के हिसाब से दी हुई है। भाई मुझे अगर पढ़ाई करनी होगी ना तो मैं इतना महंगा टैबलेट नहीं खरीदूंगा। ठीक है, मतलब यार आप खुद सोचो, पढ़ाई ही अगर आपको करनी है, ठीक है, किताब ही पढ़नी है, तो उसके लिए 8-10 हज़ार वाले भी टैबलेट्स अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन तुम सिर्फ वही चीज को छोड़ के बाकी चीज को नेग्लेक्ट करके अगर अपनी स्क्रीन डिजाइन करते हो तो मुझे लगता है कि ये कंज्यूमर के लिए, मास कंज्यूमर के लिए ठीक नहीं है भाई। क्योंकि देखो पता है आजकल 21:9 का जमाना है। यूट्यूब में भी देखना, बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल क्या कर रहे हैं, 21:9 में आपका कंटेंट डाल रहे हैं। आपको बात समझ में आ रही है? तो बेजल्स किसके अंदर ज्यादा होगी? बेजल्स वन प्लस वाले के अंदर बहुत ज्यादा होगी, ऊपर और नीचे इतनी ज्यादा होंगी कि लगभग मान के चलो 40% एरिया बेजल में ही कवर है। भाई आप बात को समझो कि आप इतने बड़ा टैबलेट ले रहे हो, उसमें 40% जो डिस्प्ले है वो आपकी ब्लैक बार्स में ही कवर्ड है, तो क्या ही उसका जो है आपको वो देखने को मिलेगा? कुछ उतना इतना बड़ा टैबलेट होने का भी कोई फायदा नहीं है। एज कम्पेयर टू पोको पैड जहाँ पे 16:10 दिखा हुआ है, बेहद ही प्रैक्टिकल स्क्रीन आप लोगों को देखने को मिलती है। ज्यादा उतने ब्लैक बार्स जो है नीचे और ऊपर देखने को आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे, और रीडिंग के लिए भी काफी ज्यादा ये चीज आपको सही देखने को मिलती है। तो मतलब आप समझो बात को कि वन प्लस वालों ने कोशिश तो बहुत अच्छी की लेकिन उसका यूज ही नहीं। फिर बात आती है चार्जिंग स्पीड को लेके। देखो यार टैबलेट के केस में चार्जिंग स्पीड का कोई भी मतलब जो है सेंस नहीं बनता है। ठीक है, 33 वॉट जो कि पोको पैड आप लोगों को दे रहा है काफी ज्यादा सही है, एकदम स्वीट स्पॉट पे है, सफिशियंट है। वन प्लस वाला आपको 67 वॉट का दे रहा है, जल्दी जल्दी चार्ज भी होगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज समझनी चाहिए दोस्तों कि टैबलेट आखिरकार इतने लंबे क्यों चलते हैं?
ठीक है, इतने लंबे वो इसलिए चलते हैं बिकॉज ऑब्वियसली बात है उनकी बड़ी बैटरी होती है और वो वाईफाई ज्यादातर जो है वाईफाई वाला वर्जन यूज करते हैं, तो हीट जनरेशन के चांसेस काफी ज्यादा कम रहते हैं। तो हीट जनरेशन के चांसेस कम है तो उससे क्या हो जाता है, टैबलेट लाइफ बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे वन प्लस पैड टू में आप लोगों को 67 वॉट का जो है चार्ज मिल रहा है, तो इससे हीट काफी ज्यादा होगी और हो सकता है कि टैबलेट उतना ज्यादा ड्यूरेबल आप लोगों को नहीं मिले। नाउ लोगों का एक और सवाल यहाँ पे रहता है कि भाई वन प्लस वाले में तो आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर मिल रहा है और इस प्राइस पॉइंट पे, तो भाई देखो 5G मॉडल नहीं है इसके अंदर, 5G वाला वेरिएंट ही लॉन्च नहीं हुआ है वन प्लस पैड टू के अंदर। अगर 5G वाला वेरिएंट लॉन्च होता ना तो इसी टैबलेट की कीमत लगभग मान के चलो यहाँ पे 40,000 जो अभी दी हुई है 42 या फिर 50 के करीब वो चली जाती, उतना फर्क आ जाता है उससे। ठीक है, बिकॉज सब चीजें उसी के ऊपर जो है आपकी ज्यादातर निर्भर यहाँ पे करती है। फिर एक और चीज आती है भाई, वीडियो एडिटिंग करेंगे, हैवी काम करेंगे, भाई सब काम हो जाएगा। पोको पैड में स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 जो है एक कैपेबल प्रोसेसर है, मोर देन मिडिल रेंजर आप लोगों को प्रोसेसर मिलता है। गेमिंग कर लो, ठीक है, कुछ भी वीडियो एडिटिंग करना है वो भी हो जाएगी। और हाँ यार, एक बात जो कि इंडिया के केस में काफी ज्यादा मुझे खराब लगती है वो ये है कि लोग मतलब हर चीज का एक ही सॉल्यूशन ढूंढते हैं। देखो यार, लैपटॉप अपनी जगह पे है, मोबाइल अपनी जगह पे है। आप ये बोलोगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल यूज करूंगा या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप यूज करूंगा, सो दैट इज नॉट गुड। अल्टीमेटली वी आर कंज्यूमर्स और हमारी लाइफ इस तरीके से डिजाइंड है दोस्तों कि हमें अलग अलग चीज यूज करनी पड़ेगी। तो टैबलेट का सिनारियो कुछ अलग है, टैबलेट इज मोर सॉर्ट ऑफ ए बिंज वॉचिंग थिंग। आप ये सोचो कि मैं इसके ऊपर एडिटिंग करूंगा, अपने ऑफिस के सारे काम करूंगा, तो भाई तुम बहुत ही गलत दुनिया में जी रहे हो, इससे कुछ नहीं हो। थैंक यू।